देश की सबसे बड़ी सिंगर लता मंगेशकर की हालत अस्पताल में अचानक खराब हो गई है। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में डॉक्टर्स की एक टीम को लता दीदी की 24 घंटे निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है। वेंटिलेटर पर मरीज को उस कंडीशन में रखा जाता है जब उसकी हालत बेहद नाजुक हो। न्यूज एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लता मंगेशकर की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है। हालांकि अचानक इस तरह से लता दीदी की हालत क्यों बिगड़ी, इस बारे में डॉक्टर्स की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उन्हें कोविड हुआ था, लेकिन चेकअप के दौरान पता चला कि उन्हें निमोनिया भी है। डॉक्टर्स ने उन्हें कई दिनों तक आईसीयू में रखा, लेकिन फिर उनकी तबीयत में सुधार हुआ तो उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जो काफी चिंता का विषय है। 92 साल की लता दीदी 28 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया था कि लता दीदी रिकवर कर रही हैं, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर लता दीदी की तबीयत खराब होते ही लोगों की चिंता बढ़ गई है। हम लता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करते हैं।